जिला अस्पताल में कुछ दिनों में मरीजों और परिजनों के द्वारा डॉक्टरों से अभद्रता या फिर उनके साथ देर रात ड्यूटी के दौरान उनके साथ मारपीट के मामले दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी दौरान गत दिन पहले जिला हॉस्पिटल की ट्रामा यूनिट में एक मरीज के परिजनों द्वारा देर रात चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाया गया था। मरीज के साथ ही युवकों ने इमरजेंसी ड्यूटी के समय तैनात डॉक्टर लक्ष्मण गोहलानी और उनके साथ एक और डॉक्टर पर हमला कर दिया था। युवकों से बचने के लिए वो बाथरूम में गए तो वहाँ का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला और उनके साथ मारपीट की गई थी। इसी को लेकर जिला हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों ने पीड़ित डॉक्टर लक्ष्मण गोहलानी के साथ मिलकर जिले के नए पुलिस अधीक्षक मनोज राय को ज्ञापन दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही। परिजनों के इस व्यवहार से जिला अस्पताल के डॉक्टरों में भय बना हुआ है। उसके बाद सर उनको ट्रीटमेंट करके अपन भेज दीजिए सर। एल्कोहलिक था सर, एक्सेसिव एल्कोहलिक, उनकी एम एल सी भी हुई है, पुलिस चौकी से इन्फॉर्मेशन मिली, एम एल सी भी हुई है। देखने जा ही रहे थे तो उसमें एक दो जो जिनका बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो दोनों प्रकाश पोपली ओफली और एक और हैं उनका नाम पता नहीं है, तो ये दोनों बोले नहीं नहीं इन्होंने बोले गलत ट्रीटमेंट कर दिया है बोले सर ने, तो दोनों की तरफ टूटे तो फिर हम जान बचा के भागे। तो हमारे जो कलीग डॉक्टर थे वो कोतवाली साइड भागे पुलिस को इन्फॉर्म करने, और हम ड्यूटी रूम साइड भागे तो अपने बाथरूम में उसमें लॉक किए। इतने में पुलिस जवान भी बाद में आए तो पोफली ने अपने साथियों को बहुत सारे 40-50 लोगों को इकट्ठा किया और पुलिस पीछे रही तो ये आगे आगे आया और गेट तोड़ के हमें निकाल के मारपीट किए और हमारा चश्मा वगैरह ये सब तोड़ दिया। बोले कि ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है, आपने क्या दिया है पेशेंट को, बहुत गाली गलौज के साथ, और तुम्हें जैसे हमारे पेशेंट प्रॉब्लम में, अब तुम्हें भी अब तुम नहीं बचोगे, और ये बहुत धमकी दिया और हमें बहुत मारपीट किया उसकी हमने, इसीलिए हम अभी अपने एसपी साहब से मिलने आए हैं, उसकी जानकारी देना चाहते हैं कि ऐसे में हम इस शहर को कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे अगर डॉक्टर्स पे। हमारे में डॉक्टर गोलानी और यहाँ डॉक्टरों का रिप्रेजेंटेशन आया, इनका ये कहना है कि इन्होंने मरीज को भर्ती किया, भर्ती होने के बाद उसका ECG कराया, उसका इलाज दिया, मेडिकल कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उन्होंने आके उसको अटेंड किया, उसका वो प्रॉपर इलाज कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने इनके साथ अभद्रता की और जो डॉक्टर प्रोफेसर हैं उनको हाथ पकड़ के इंजेक्शन नहीं लगाने दिया, उनसे कोई गारंटी मांग रहे थे और वो डॉक्टरों को मारने पे उतारू भीड़ थी, इसलिए इन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए ये ड्यूटी रूम में इन्होंने अपने आप को अंदर ले लिया, जबकि यह कहना गलत है कि मरीज के इलाज में कोई लापरवाही हुई, ऐसा इन डॉक्टरों का कहना है। इस बारे में इन्होंने मुझे शिकायत दी है, जो इनकी शिकायत है वह मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को अग्रेसित की है, ताकि जो है जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, अभद्रता की है, उनके खिलाफ़ डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सके।